हाजियो आओ, काबे का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा रीवा के हाजियों के प्रशिक्षण कैंप में। रीवा में बहीदुन निशा मेमोरियल ट्रस्ट व जिला हज कमेटी के तत्वाधान में हज यात्रियों का प्रशिक्षण व ट्रेनिंग कैंप संपन्न हुआ। इस दौरान रीवा से इस साल हज यात्रा में जाने वाले हाजियों को हज के दौरान किए जाने वाले अरकानों की जानकारी दी गई। हज यात्रा में किस तरीके से अपना रहन सहन होना चाहिए, कैसे हज यात्रा का आगाज होगा और कैसे खात्मा। हम आपको बता दें, इस्लाम धर्म में पांच चीज़ें ज़रूरी हैं और उनमें से एक है हज। माना जाता है हर साहिब हैसियत वाले मुसलमान पर हज फर्ज है, फिर भी बहुत सारे लोगों को यह नसीब नहीं होता। बहीदुन निशा मेमोरियल ट्रस्ट और जिला हज कमेटी के लोग तारीफ़े काबिल हैं, जो हज यात्रा में आने वाली कठिनाइयों से नए बनने वाले हाजियों को अवगत करा रहे हैं। रवानगी की अभी डेट नहीं आई हुई है, लेकिन टेंटेटिव डेट हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दी है, वो डेट 29 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में। और जैसे ही सारे हाजियों के सब चीज़ फीड हो जाएगी कंप्यूटर पे, तो रवानगी की डेट अपलोड कर दी जाएगी, जिसका कि मैसेज उनके मोबाइल पर आएगा, जैसा कि सारे अपडेट्स उनके मोबाइल पर आते हैं। यहाँ के कार्यक्रम जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या है हज का? हज कमेटी और बहीदुन निशा मेमोरियल ट्रस्ट दोनों ने मिलकर इस ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया है, ताकि हाजियों को वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, हर चीज़ की वो यहाँ से जानकारी लेकर के जाए। वहाँ उसके अरकान सारे बहुत अच्छे से हो और उनका हज बहुत अच्छे तरीके से। पहले या अपने सर को ढांक लेता है या खुशबू इस्तेमाल कर लेता है या अपना कोई बाल काट लेता है, तो कोई हर्ज नहीं है। कमीज, पायजामा या कोई दूसरा सिला हुआ कपड़ा पूरे जिस्म या जिस्म के कुछ हिस्से के लिए इस्तेमाल न करें। इस साल हज 2018 में रीवा जिले से हज कमेटी भोपाल से 76 हज यात्री जा रहे हैं और करीब 24-25 जो हज यात्री हैं वो प्राइवेट टूर से भी जा रहे हैं। तो इस बार रीवा जिले से 100 से ज़्यादा हज यात्री जो है हज में तुलना के लिए 2018 में जा रहे हैं। ये पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा हज यात्री इस साल जा रहे हैं। ये अल्लाह का करम है और ये हम लोग की खुशनसीबी है कि उनको हज के दौरान किए जाने वाले अरकानों की जानकारी के लिए बहीदुन निशा मेमोरियल ट्रस्ट और हज कमेटी रीवा की जानिब से ये जो है ट्रेनिंग कैंप लगाया जाता है, और जिसमें वहाँ पर किए जाने वाले अरकानों की जानकारी दी जाती है। और ये जो है बहुत नेक काम है, और ये काम बहीदुन निशा मेमोरियल ट्रस्ट के जरिए से पिछले 16 साल से लगातार दे रहे हैं। हम सब शुक्रिया।